दशहरा मैदान में शुक्रवार की रात शादी में जयमाला की रस्म बड़े ही अनोखे अंदाज में हुई। यहां दूल्हा दुल्हन ने एयर बैलून पर सवार होकर करीब 70 फीट की ऊंचाई पर एक दूसरे को वरमाला पहनाई, जिसे लोग देखते ही रह गए। इतना ही नहीं, मंडप की शुरुआती रस्म के बाद दूल्हा दुल्हन उसी तरह बैलून पर ही सवार होकर स्टेज तक पहुंचे। इस एयर बैलून को खासतौर पर बीकानेर राजस्थान से मंगाया गया था, जिसके साथ 6 लोगों की टीम भी भिलाई पहुंची थी। आयोजक अवधेश पांडे ने अपनी बेटी प्रीति के विवाह को यादगार बनाने ये नई पहल की। एयर बैलून के पायलट रोहितास के मुताबिक शादियों में इस तरह से इवेंट का चलन बढ़ा है। बैलून को पहले गर्म हवा से उठाया गया, फिर इसे उड़ाने के लिए 3 सिलेंडर रसोई गैस के इस्तेमाल किए गए। पूरे छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में दूसरी बार ये एयर बैलून का जो है हमारे यहाँ ही हो रहा है, पांडे प्लास्टिक पांडे परिवार की ओर से। इसका उद्देश्य ये था कि लोग शादी विवाह में जाते हैं और दूल्हा दुल्हन को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इसको थोड़ा हट के किया जाए, ये अपने उद्देश्य था। साथ में हम लोग बेटा को परी मानते हैं, तो हम चाहते हैं कि परी का जो वरमाला वो आसमान और धरती के बीच में हो, ये हम लोगों का उद्देश्य है। इससे पहले भी हमने अपने बिटिया का वैसे किया था सन 2016 में, और पर्यावरण को देखते हुए हमने 1100 पौधों को बांटने का आयोजन हर अपने खुशी के कार्यक्रम में करते हैं, ये हमारा एक उद्देश्य है। तो क्या बिटिया को परी की तरह मिला करते हैं? जी, ये उद्देश्य हमारा, ये बिटिया को परी माना जाता है या परी मानते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि उनका जो वरमाला हो वो धरती और आकाश के बीच में हो।